जा रही हूँ ऊपर, जहाँ पे कल मैं रेडी हो रही थी त्रिशा के घर पे, तो अभी जा रही हूँ क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है संगीत है आज। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। चलो फटाफट रेडी होते हैं, और आज थोड़ा सा मेकअप वाला चेहरा मिलेगा आपको देखने, थोड़ा तो होना ही चाहिए। तो मैं रेडी हूँ, मेरे हेयर्स और मेकअप डन, और हेयर्स किया है मालती फोन है, अमेजिंग करते हैं, अमेजिंग करते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, और हम सब साथ में रेडी हो रहे हैं। तमारो कॉन्टेक्ट ना बधु मैंने आप जो डिस्क्रिप्शन में नाखीस, और हेयर स्टाइल के लिए तो आंख बंद करके आप इनको प्लीज बुलाना। ब्राइडल हो, साइडर्स हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, शी इज़ द बेस्ट। और ये मैंने फर्स्ट टाइम कराना है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। पूरा लुक मैं आपको बाद में बताती हूँ। थैंक यू मालती फू, बहुत मस्त करू थी। अब आगे अच्छा बबू फू करावा करो। हाय हाय जो छो आ जाए क्यों डांस करो जो माया है मामा क्या कहना। मैं तो एकदम मस्त टकाटक रेडी हो चुकी हूँ आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसे प्रॉपर मेकअप और हेयर स्टाइल किया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे बाकी सभी रेडी हो रहे हैं, एंड दिस इज मी। सी माय बैक लुक ऑफ माय हेयर्स, कितने प्रिटी लग रहे हैं। सो दिस इज माई संगीत लुक, आई एम ऑल रेडी टू शूट, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। होप आज सब मस्त करे, बाकी का वीडियो तो आप देखोगे। स्टे ट्यून्ड। मैं भी रेडी हूँ, ये भी रेडी है, ये रिदम दोनों रेडी है जाने के लिए संगीत में। मासी आएगी बाद में, हम आगे जा रहे हैं। फ्रेम के मस्त। यहाँ पलक की कार में हम सारे फ्रेंड्स यत्तू को लेके जा रहे थे हॉल में, जहाँ पे है आज फंक्शन संगीत का। उसका थोड़ा जल्दी जाना था, फोटो सेशन करना था, और हमारा दुल्हे राजा भी आ गए हैं। और यहाँ पे फाइनली संगीत का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, आप एंजॉय कीजिए क्योंकि अभी होने वाली है एंट्री ब्राइड और ग्रूम की, यानी कि टू बी ब्राइड एंड ग्रूम। आज ये है संगीत की एंट्री, और यहाँ पे सबको बोला गया था टॉर्च लाइट ऑन करने, तो सारे उसके फ्रेंड्स रेडी थे। और यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, मस्त फायर एंट्री है, फुल आग लगा दी है वो लोग ने। और यत्तू तो बहुत प्यारी लग रही है, जय तो हैंडसम है ही, बट यत्तू वॉज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। और इस तरह उन्होंने एंट्री ली, थोड़ा सा डांस किया साथ में, एंड एकदम डॉल से कम नहीं लग रही थी। वी ऑल वर गेटिंग सो एक्साइटेड टू सी देम टुगेदर। और संगीत के लिए तो ऑफकोर्स हम सब बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप लोगों ने देखा है कितना प्रैक्टिस करते थे हम लोग। और यहाँ पे बस ये लोग का है कि डांस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बट येस इट्स देयर टाइम, तो हक से। यहाँ पे हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे ऑडियंस में उनको देख के। फिर ये था द मोमेंट जहाँ पे ये लोग ने एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज भी किया, तो बहुत प्यारा लगा ये कि है। एंड नाउ द एंकर सेट लेट्स डू इट, तो फाइनली संगीत स्टार्ट होगा। और उसके पहले बस वो ही बोल रहे थे कि ताली में कोई टैक्स नहीं है, सीटीओ में कोई टैक्स नहीं है, 31 मार्च आ रहा है, पर हमें ताली और सीटी का टैक्स नहीं भरना है, तो कृपया करके सबको मस्त ताली बजाओ, इनकरेज करो, बहुत प्रैक्टिस की है। एंड स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इट इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैंने ब्राइड ग्रूम और अनीता जो कि जीत की होने वाली बीवी है उसके साइड को भी सबको सिखाया था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि कैसे सब परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस चीज़ को लेके तो मैं डबल एक्साइटेड थी, और आप मानोगे नहीं बट मैं पूरा टाइम नीचे बैठी थी वो लोग के सामने, ताकि मैं थोड़े स्टेम्स भी उनको प्रॉप में दिखा सकूँ। जगह नहीं इसके लिए, हम यहाँ पे एंड टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सब याद होना चाहिए। अभी जा, अभी जा। ये है मॉन्स, जीनल, क्वीना, गुडू और मैं। लेट्स रॉक इट गर्ल्स।
फिर बारी आई हमारे डांस परफॉर्मेंस की और यहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ. ऑफ कोर्स ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज मैं ये नहीं डाल सकती इसमें, बट ये वीडियो इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर अपलोड करूँगी. तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो करो इंस्टा पे, जानी ही तो 28, वहाँ पे ये पूरा डांस वीडियो आने वाला है. बहुत मज़ा आया ये करते वक्त एंड येस वी ऑल किल्ड इट. वीडियो देखने के बाद आई कैन अश्योर कि आप लोग को भी बड़ा मज़ा आ रहा है. फिर आई थी हमारी ब्राइड जो हमने ज्वाइन किया और लास्ट सॉन्ग जो हमारा था कजिन्स का वो हमने साथ में एंड किया. फिर आती है पारी उनकी मम्मियों की, बुआ की, तो वो सबको जो मैंने सॉन्ग सिखाया था उनका टर्न आ चुका था तो वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, प्रैक्टिस देख सकते हो. फिर ये था फैमिली डांस जहाँ पे सब एक साथ कपल के साथ आ रहे थे, डांस कर रहे थे और इसमें फिर हम सारे कजिन्स लोग भी गए. आई नो कि मैं उसकी फ्रेंड में हूँ बट सिंस हम लोग का रिलेशन बहुत अलग है, फ्रेंड्स हम लोग ऑलमोस्ट नहीं, वी आर मोर लाइक सिस्टर्स, तो इसलिए मैं कजिन्स लोग के साथ डांस कर रहे थे. फिर जय को भी हमारे साथ नचाया, झूम बराबर झूम, ताकि उसको समझे उसको भी ऐसे झूमना है शादी के बाद. एंड दिस इज द हाईलाइट ऑफ आवर डांस संगीत जहाँ पे ये ब्राइड के बॉयज यानी कि फ्रेंड्स भी नहीं ब्रदर्स ने ये खूबसूरत सा डांस किया, मार डाला. एंड यू नीड गट्स टू डू सच थिंग्स, तो वो लोग ने बहुत अच्छे से किया. फिर उसके बाद वो लोग ने धमाकेदार डांस किया जहाँ पे एक भी गलती नहीं की है. बीच में जो आप देख रहे हो वत्सल ब्राइड का सगा भाई जो बहुत मस्त फाड़ रहा था स्टेज को, इतना अच्छे से किया है गाइस, ये लोग ने सच में एक मिस्टेक नहीं की है. ये देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई. फिर आया टर्न ब्राइट और ग्रूम टू बी का डांस, तो यहाँ पे यत्व और जय खूबसूरत से डांस कर रहे थे. अगेन ये लोग ने एक भी मिस्टेक नहीं की, ये देख के भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत लगी है हमें. और जय तो लिटरली भाईंदर से बोरीवली आता था सारी प्रैक्टिस करने, तो बिकॉज दे आर नॉन डांसर्स फिर भी इतना एफर्ट्स लेके जो उसने किया है कमेंडेबल है. एंड उसके अब आए हैं जय के साइड वाले, मैं निकला गड्डी लेके, वो करने के बाद उन्होंने किया खूबसूरत सा कपल डांस जो कि अगेन बहुत मस्त था, अगेन नो मिस्टेक. ये लोग ने भी काफ़ी कम टाइम में मैंने सिखाया था और बहुत अच्छे से किया है, सो अगेन आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. और फिर यहाँ पे हो रही है दूसरी डांस और उतने में स्टार्टर्स भी बीच बीच में सर्व हो रहे थे. बट गाइस ट्रस्ट मी, मैंने स्टार्टर्स कुछ खाया ही नहीं क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी सारे लोगों के लिए कि मैं नीचे ही बैठे बैठे, बस ये था कि कोई मिस्टेक ना करे और उनको मैंने भूल के रखा था मैं नीचे ही बैठी हूँ, तो एक भी स्टेप्स तो मैं ऐसे भूलने नहीं दूंगी. फिर यहाँ पे उसके फ्रेंड्स लोग ने भी थोड़ा स्पेशल सब परफॉर्मेंस किया था. एंड देन उसके बाद अनीता और जय ने, सॉरी जीत ने भी अच्छे से डांस किया. और फिर यहाँ पे टीम ब्राइड वर्सेस ग्रूम की डांस फेस ऑफ था जिसमें ऐसा था कि जो सॉन्ग प्ले होता है आपको साथ उसका सिग्नेचर स्टेप करना है. अभी मैं हूँ और ये चीज़ ना हो पॉसिबल नहीं है. सो गाइज लिटरली फर्स्ट सॉन्ग बजा हाय गर्मी एंड मैंने एक टाइम भी नहीं सोचा कि मैं ये स्टेप कैसे करूँगी. जो मेरा आउटफिट है आई जस्ट वेंट इट एंड आई डिड इट बिकॉज आई थिंक वी डांसर्स आर मेंट फॉर इट. ऊपर से मैंने बहुत बड़ी हील पहनी थी बट आई कुड इजीली मैनेज इट एंड इतना फन था कि अभी भी लोग मुझे याद करते हैं कि तू जो हाई गर्मी कर रही थी बड़ा मज़ा आ रहा था वो. तो यहाँ पे जो मैंने गर्मी का स्टेप किया वो अभी भी लोग मुझे आज बोल रहे थे कि भाई तू क्या कर रही थी, मज़ा आ गया देख के. इवन दी ग्रूम साइड वाले भी मुझे इनकरेज करने लगे. सो यस आई वॉज एन्जॉइंग माई टाइम. फिर यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग बजा बादल बरसा बी चोली, तो वो भी अगेन बहुत फेमस था तो वो भी अच्छे से किया. फिर उसके बाद आया काला चश्मा, अगेन आई नेल्ड इट, पूरा अच्छे से सारा स्टेप किया. एंड बॉयज़ वालों को तो भाई ऐसा लग रहा था कि क्या है वो लोग बस आ गए हैं नाच रहे, तो इसमें बहुत हम लोग ने एक्चुअली गेम में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. फिर बजा चल छैया 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 छैया, उसका भी सबने बैठ के सिग्नेचर स्टेप किया. फिर ये गेम के बाद ब्रेक थोड़ा सा होने के बाद आया फ्रेंड्स का डांस जो वो लोग ने भी बहुत अच्छे से किया. तो ये लोग के भी तीन सॉन्ग्स थे, फर्स्ट थे ख्वाब देखे झूठे मूठे, उसके बाद था चम्मक छल्लो
एंड द लास्ट सॉन्ग वॉज प्रिटिले डे अगेन ये लोग ने बहुत अच्छे से किया, एक्सट्रीमली मस्त किया, मेरे को मज़ा आया एंड मैं भी यहाँ पे नीचे बैठे बैठे कर रही थी. सो यस, फिर यहाँ पे एंट्री हुई थी उसके बाद बॉयज की एंड सी द वे दे आर कमिंग फुल ऑन जोश में. वेट अब दिख रहा है ना अच्छे से, तो ये लोग के भी एकदम धमाकेदार सॉन्ग्स थे, बहुत एनर्जी से कर रहे थे. आई नो थोड़ा बीच बीच में भूल रहे थे, बट दैट्स ओके, दे ऑल आर नॉन डांसर्स. और यहाँ पे जय, जीत और यतीशा सबके कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो ये सबका एक ही ग्रुप है, तो बहुत अच्छे से ये लोग डांस किए. इसमें तो एनर्जी एकदम डबल हो चुकी थी एंड जस्ट सी द कोऑर्डिनेशन, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छे से किया, फुल ऑन बहुत अप्लॉज किया लोगों ने. और उसके बाद था स्पेशल डांस जिसमें दोनों कपल्स और जयजीत के मॉम डैड थे साथ में. सो परफेक्ट फैमिली पिक्चर था ये, इतने प्यारे लग रहे थे, ऑल ओवर कलर कोऑर्डिनेटेड एंड इट वॉज बोले चूड़िया. इसी के साथ संगीत का छोटा सा ब्लॉग यही समाप्त होता है, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था, फिर भी आई कुड मैनेज टू ऐड सम वीडियोस आप लोग के लिए. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा. अगेन जो मेरे डांसेस है वो मैं इंस्टा पे डालने वाली हूँ, सो प्लीज़ फॉलो देयर और यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय.